जय महादेव, जय बाबा महाकाल। आज है हमारा उज्जैन में दूसरा दिन और अब हम जा रहे हैं दोबारा से दर्शन के लिए उज्जैन। जाएंगे आरती देखने, वीआर आरती देखेंगे और साथ में हम जाएंगे हर सिद्धि माता मंदिर। ठीक है, चलो आ जाओ। आज हमने तीनों ने एक से कपड़े पहने हैं, देखो। जय बाबा महाकाल। आए हैं ब्रेकफास्ट, जो कि है हम खा रहे हैं आलू का पराठा और ये है 50 रुपीस प्लेट, जिसमें कि आपको दो पराठे मिलेंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी था। हम जा रहे हैं वीआर प्ले में भस्म आरती देखने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। ये हमने इसकी कटा ली है पर्ची, ये 150 ईच है। अगर आप कॉम्बो लेते हो दो या तीन जने का तो आपको 100 रुपीज ईच पड़ जाएगा, और अगर आप चार जने देखते हो एक साथ तो एक बंदा फ्री हो जाता है, चार के साथ एक फ्री हो जाता है, पांच मतलब आप टोटल देख सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं वीआर प्ले में भस्म आरती देखने के लिए। देखिए जैसे ये लगा रखा है, ये रहा, इसी तरीके से हम देखेंगे इसका। मैंने सुना है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट मैं आज पहली बार ही जा रही हूँ देखने के लिए। यह आ गया, ये रहा रूम, इसके अंदर हम जाएंगे। ये रही हमारी तीन टिकटें, आओ। आर यू एक्साइटेड गाइस? हाँ, तैयारी, इनको लग गए हैं प्लेयर्स और अब हम देखेंगे, हम नहीं मतलब ये दोनों देखेंगे भस्म आरती। अब हम ये देखेंगे कि दोनों क्या क्या करते हैं। हो गई, स्टार्ट हो गई, और ये इस तरीके से पूरा इन्होंने पूरा सेटअप बना रखा है। ये सारे प्लेयर्स रखे हैं इसमें, अभी मैं भी देखूंगी इसके बाद। अभी ये दोनों देख ले पहले। ये देखो चारों तरफ घूम घूम के देख रही, मम्मी ने छू लिया है शिवलिंग को। मम्मी इस समय गर्भगृह में है, पूरा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी मैंने देखी नहीं है, बट मैंने इसका ट्रायल लिया है तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो हट गया इनका, हो गया पूरा। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मजा आ गया। ओ देखो मम्मी को कैसा रहा संजीना, बताओ कुछ। मजा आया, बहुत ऐसा लगा बिल्कुल सामने ही बैठे हैं मैं, पापा ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल छू रही हूँ। भस्म आरती, भस्म आरती का जो होता है ना, भस्म आरती के बाद लाइट ऑफ करके कुछ नहीं करते। हाँ, घर बैठे में क्या है भैया? घर बैठे दर्शन कर सकते हैं, ये दिख रहा है दुर्लभ दर्शन। हाँ, इसमें क्या ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी? हमारा एक एप्लीकेशन है दुर्लभ दर्शन, वो आप लॉन्च मतलब इंस्टॉल करेंगे ना, उसमें आपको बहुत सारी आरतियाँ मिलेंगी, जिसमें आप पूरा घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। अभी आपको 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है, 2500 रुपये में आप साइट से ले सकते हैं, डेमो ले सकते हैं उसका डेमो। अच्छा, 2500 रुपये में पूरा सेटअप मिल जाएगा और ये ऐप डाउनलोड करके फिर हम घर बैठे भी सारी आरतियाँ देख सकते हैं। अभी यार हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपका फ़ोन इंसर्ट करना है आपको, आपको साइट से देख सकते हैं। ठीक है, कैसा रहा मम्मी? रुको, इस समय वीडियो बना रही है।
जय बाबा महाकाल। लो इस समय हम हैं उज्जैन की पटरी मार्केट पे। यहाँ आके आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप उज्जैन में हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप दिल्ली के सदर बाजार में हो। देखिए ये जो रास्ता आ रहा है ये सामने रेलवे स्टेशन से ही बिल्कुल सीधा रोड आ रहा है और ये इधर से जाएगा मंदिर के लिए। तो इसी पे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके की पटरियाँ लगी हुई है। देखो आपको इस तरीके से साड़ियाँ मिल जाएंगी, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी सामान खरीद सकते हो। इधर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप दिल्ली के सदर बाजार में घूम रहे हो। ऑक्सोडाइज ज्वेलरी और रेट का तो ऐसा है कि आप जितनी बार्गेनिंग कर लो उतना ही वो है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इधर अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, एंटिक चीज़ें, मतलब एंटिक क्या है बट चीज़ें ठीक मिल रही हैं। देखो ये पूरी मार्केट है, यहाँ पे ऐसे पूरी मार्केट भी मिल जाएगी और इस तरीके की पटरियाँ भी मिल जाएंगी जिससे आप सामान खरीद सकते हो। और चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे पटरी मार्केट लगी हुई है। हैं हो सकता है पैन के पापी कर देते हैं। देखो पान की छोटी छोटी डब्बियाँ बनी हुई मिल रही हैं। देखिए इस तरीके की एंटीक आइटम आपको मिल जाएंगी, इनसे आप बार्गेनिंग कर सकते हो, कितनी भी कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने का है। और दोगे कितने में? हाँ आप बताओ ना, मैं क्या बताऊँ, आपने तो पहले इतना बोल दिया, मैं कुछ बताया। 8.5 हाँ ठीक है जाओ। कितने का दोगे? जाओ लेकर आओ। ये देखो इस तरीके से यहाँ एंटीक चीजें मिल जाती हैं, इस तरीके से यहाँ ये सब मिल जाएंगे। ये तो फिर आपको हर तीर्थ स्थान पे मिल जाएंगे। और ये ऐसे पूरी मार्केट लगी हुई है, बट ये मार्केट दिन में ही लगती है। जब आप रात को स्टेशन से आएंगे इस साइड से तो ये आपको मार्केट नहीं मिलेगी, ये सिर्फ दिन में ही मिलेगी आपको। इधर चारों तरफ ऐसे दुकानें हैं और बीच में ये पटरियाँ हैं। अभी हम आए हैं एक मारवाड़ी थाली खाने के लिए, जो कि बाहर एक भैया वाले लगा रहे थे कि मारवाड़ी थाली। ये देखिए 99 में मारवाड़ी थाली अनलिमिटेड खाना, तो हम इसको ट्राई करने के लिए आए हैं कि देखते हैं कैसी लगती है। क्यों नहीं खाएंगे, हम भी मारवाड़ी खाना खाएंगे आज और देखेंगे कि क्या टेस्ट है। कैसे पहुँच गए हैं, फैन कहाँ चल रहा है, बैठी हुई। ये रेस्टोरेंट है, हम इसमें आए हम खाना खाने के लिए। हमने खाना खा लिया है, खाना अनलिमिटेड था और बहुत ही अच्छा खाना था। थैंक यू भैया, खाना बहुत अच्छा था। जय श्री महाकाल। यहाँ हमने खाया 99 ले लो थोड़ी सी। यहाँ हमने खाई है 99 रुपीज़ में मारवाड़ी थाली, जो कि अनलिमिटेड थी, जिसमें कि 1, 2, 3, 4 सब्जियाँ थी और रोटी चावल। बहुत ही अच्छी थाली थी, हमें बहुत मज़ा आया खाकर। और ये जो मार्केट है जो मैं भी घूम रही थी उसी के ही पास है, जो कि इन्होंने खाना खिलाया और इतने में अच्छा खाना मिल गया। हमने कम एक साइड की खाई थी थाली, वो ज़्यादा अच्छी थी। हम आए हैं विक्रम आदित्य जी का किला घूमने के लिए और ये है सामने उज्जैन और बिल्कुल इसी के सामने है ये रहा किला, जो कि अब हम आए हैं घूमने के लिए आज पहली बार। देखिए सामने उनकी कितनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। ये हैं विक्रम आदित्य। अगर जिन्होंने विक्रम बेताल देखा है तो उन्हें पता होगा विक्रम आदित्य जी कौन है। तो ये उनका वो है, यहाँ पे किला बना हुआ। देखिए ये सामने सिंहासन पे विराजमान है। ये रहे हमारे विक्रम आदित्य प्रतिमा। ये सिंह ये बिल्कुल मंदिर से जस्ट 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आराम से इस पे पैदल आ सकते हो, कोई दूर नहीं है।
हैं कॉरिडोर घूमने, और ये कॉरिडोर की वीडियो होने वाली है बहुत लंबी, क्योंकि ये कॉरिडोर है बहुत बड़ा, तो इसलिए चलो शुरू करते हैं। जय महाकाल, ये है समुद्र मंथन शिव भगवान हलाहल विष पीते हुए। नमः शिवाय। हे संजना, तो ब्लॉग भी बनाऊंगी, तो ब्लॉग भी तो सेंड कर सकती हूँ, ब्लॉग तो वीडियो से बनता है। भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, तुम लोगों को भी ले ब्लॉग में, बीच में खुद तो बोलो जब भी। और संजना कैसा फील हो रहा है तुम्हें, अच्छा लग रहा है कॉरिडोर घूम के? बहुत मजा आ रहा है, बहुत यही हूँ, दो बार दर्शन कर लिए मैंने तो। घूम ही रहे हैं, तो घूमे नहीं है, बता रही घूमा। सोने को चमकाए लेके मन से आत्मा तेरे से निकली जा, आग और पानी। चलो चले, चलो अब। हाँ वीडियो हो गई,
अब बस वीडियो बनाएंगे, फोटो लेंगे।